नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं झारखंड संदेश डॉट कॉम और न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन के संपादक के साथ झारखंड से। यह जो 2024 को लेकर जो तालमेल चल रहा है, खासकर एनडीए का, और इसमें व्यक्तिगत रूप से सभी दलों के नेता आपस में मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर। तो क्या इससे लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि छोटे दलों के साथ जिस तरह से एनडीए का अभी तक जो व्यवहार देखा जा रहा है, उसमें लग रहा है कि उनका उपेक्षा भाव काफी सक्रिय है। देखिए, अभी जो स्थिति बन रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के और जो गठबंधन की कोशिशें हो रही है, उसमें बहुत साफ है कि गठबंधन एनडीए में जो है बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है ही है, और उसका जो पार्टनर है जो निकल गया जो जेडीयू था, जो पिछले चुनाव में 16 तकरीबन सीटें जीती थी, ठीक है ना। तो उस समय रामविलास जी के नेतृत्व वाली जो लोजपा थी तो उसको 6 सीटें हुई थी, ठीक है ना। तो 17 बीजेपी का था, 16 जेडीयू का था, एलजेपी का 6 था, कुल 39 सीटें, और एक कांग्रेस का हो गया था। इस बार जो नीतीश कुमार के आरजेडी या माने महागठबंधन में चले जाने के बाद जो स्थिति बनी है, तो उसमें जो साथ गए हैं, कांग्रेस तो वहां है, पहले से महागठबंधन में है, एक नई एंट्री हुई नीतीश जी की, तो नीतीश जी की एंट्री हुई तो स्वाभाविक रूप से मांझी चूंकि एनडीए के साथ ही थे, तो नीतीश चूंकि उधर गए तो नीतीश के साथ वो चले गए। अब है कि बीजेपी का, अब बीजेपी को जो करना है उसमें यह है कि उनके साथ बट के जो दो धड़े हुए लोजपा के, तो उसमें एक चिराग पासवान की सदारत वाली है, एक पशुपति कुमार पारस की सदारत वाली है, उसके बाद बचे मुकेश सहनी वाली जो हम है वीआईपी पार्टी है, कुशवाहा जी हैं, तो कुशवाहा जी पिछले चुनाव में तो साथ नहीं थे, उससे पहले साथ थे, ठीक है ना, 14 में। तो कुशवाहा जी की मुलाकात और अभी जीतन राम मांझी की भी मुलाकात, दोनों की मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। उसमें कहा यह जा रहा है कि चूंकि जल्दीबाजी है कुशवाहा जी को, ठीक है ना, सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि पिछली बार अलग होकर के एनडीए से उन्होंने देख लिया था, ठीक है ना, उनको किनारे होना पड़ा था और कहीं नहीं था, और जो है तो इसके लिए है कि तो मिल लिए, आखिर खुलासा नहीं किए हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन यह बात है कि सीटों पर भी सहमति उनकी बन ही गई होगी, तो उनको एक अपना तो सीट चाहिए ही चाहिए, और जो दो तीन सीट पर जो बात बनी होगी। मांझी जी का जो सवाल है, तो मांझी जी भी अभी हैं, बोल रहे हैं कि हम नीतीश के साथ हैं, नीतीश जहां रहेंगे वहां रहेंगे, लेकिन मांझी जी को भी फिर वही है जो व्यक्तिवादी पार्टी की जो बात होती है, तो उसमें मांझी जी के लिए है कि उनको चाहिए उधर अपने लड़ने के लिए भी, गया सीट का सुन रहे हैं कि गया सीट पर उनका जोर है, तो महागठबंधन में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि गया सीट पर जो है जेडीयू का ही कब्जा है, एनडीए के में जब एनडीए धारे में था, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जेडीयू बोलेगा कि ठीक है ले लीजिए, तो उनको भी एक आध सीट दे के उधर, अगर उधर बात नहीं बनी अगर किसी कारण से, जेडीयू बोले कि भाई दो सीटिंग सीट हम कैसे आपको दे दे, कुछ नया जगह देखिए कुछ करिए, तो उस परिस्थिति में वो भी इधर जगह बना लेंगे। एनडीए में तो सबका स्वागत है, क्योंकि वोट का जो हिसाब किताब है, जो माई समीकरण आप देख रहे हैं, जो महागठबंधन का जो के साथ जो है, नीतीश जी का भी कुर्मी कुरी का जो हिसाब किताब अपना उनका फॉर्मूला है, लेकिन उसको तैरने में बीजेपी भी लगी हुई है, आपको जो इनको लाया सम्राट चौधरी को लाना, फिर अगर कुशवाहा हो जा रहे हैं तो कुशवाहा का भी है, उनका बहुत वोट नहीं, तो 3% वोट तो कम से कम तो ठीक है, वो भी तो उधर महागठबंधन से ही इधर आएगा ना, कुछ उसमें बंटवारा करेंगे कुछ करेंगे, तो
अब लेजे के बात चिराग पर हो जाती है, क्योंकि चिराग से तो बात खुल की हुई नहीं है, हुई है तो ऐसा कुछ आया नहीं है सामने, तो चिराग को असहज तो बना रहा है। अब यही फंस रहे हैं, चिराग को जो फंसने की बात है तो चिराग भी फंस रहे, चिराग से ज्यादा कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी फंसे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि पिछले चुनाव में जो 6 सीटें जीती हुई थी लोजपा, एक तो चिराग पासवान हो गए, दूसरा पशुपति पारस है, तीसरा प्रिंस राज है, चौथा नवादा से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह हुए हुए हैं, वैशाली से बीना देवी हैं, और उसके बाद खगड़िया से महबूब अली कैसा। अब इन नेताओं का बैकग्राउंड देखिए, तो चिराग पासवान, प्रिंस और पशुपति, तो तीनों रामविलास जी के तो परिवार में आ गए हैं, तो कम से कम वो 3 सीटें तो उनको चाहिए ही चाहिए। बस पारस जी को चाहिए खुद के लिए, भतीजे के लिए, चिराग को भी अपने लिए, तो कम से कम हर हाल में चाहिए। रही बात चंदन की और बीना देवी की, तो एनडीए के फोल्डर तो कुछ नहीं है, वो बीजेपी में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, उनको टिकट चाहिए, ठीक है ना, वो आरजेडी या महागठबंधन में नहीं जाएंगे, तो लेकिन वो बीजेपी में भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो दबाव वही बीजेपी का बनेगा, ठीक है। रहा बात महबूब अली कैसर का, तो उनका मैंने अब ये नहीं है कि बहुत दृढ़ता से वो एनडीए में ही रह लिया, महागठबंधन चल गया, उनको जहाँ टिकट मिल जाए सहूलियत से वो चले जाए। तो अब यही बाजीगरी समझने की जरूरत है चिराग को भी और पशुपति पारस को भी, ठीक है ना। इसमें दोनों को मिल जाने का भी दबाव हो सकता है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी अब जिसी जैसे ही कुशवाहा आ गए हैं, आपको मांझी का भी है इधर उधर दो हरिजन रिजन का भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लेजे के बच रहे वोटों, मतलब चिराग पासवान की जरूरत तो है, चिराग पासवान से ज्यादा जरूरत, चिराग पासवान की ज्यादा जरूरत है पारस, पशुपति कुमार पारस से, ठीक है ना, जो कि उनकी लोकप्रियता का हिसाब किताब और 6.5% के करीब जो वोट टूट है, तो उसके ध्रुवीकरण की जब बात होगी तो जरूरत तो है, लेकिन चूंकि पारस उस समय आगे बढ़ चढ़ के पार्टी तोड़ने में भी थे और सब कुछ करके तो गए थे एनडीए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि उनको हम छोड़ दें, क्योंकि राजनीति का जो है नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं है, तो दबाव तो ज्यादा पारस जी पर भी होगा, और चिराग को भी बोला जाएगा कि नहीं तो आप लोग मिल लीजिए, आपका जो 6 सीट जो जीता हुआ है संयुक्त माने रामविलास जी की सदारत वाली जो लोजपा का है, वो 6 सीट आपको दे देते हैं, दोनों आदमी मिल बैठ के तय कर लीजिए, और अगर नहीं तय करेंगे तो 2-3 आपका तो चेहरा हमारे साथ आने के लिए तैयार ही बैठा है, ठीक है ना। तो अब है कि इसमें जो यहां तक देखेंगे, अब इसमें तो चिराग अभी खुल के बोल नहीं रहे हैं, उनकी वार्ता होगी कुछ होगी तो बात आएगी, नहीं, पारस भी इसमें चुप है। इसमें इसको इस रूप में देखा जाए कि क्या एनडीए ने या भाजपा नेतृत्व ने कुशवाहा जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे करके यह संदेश दिया कि आप लोग अपने ढंग से सोच लीजिए, क्योंकि कुशवाहा जी आगे आकर के मिल रहे हैं और अपनी जो उनकी क्षमता जो है वर्तमान में बिहार में, उसके हिसाब से वो डील करने के लिए तैयार हैं। पारस जी को आप इसलिए छोड़ दीजिए कि पारस जी एक दो सीट और जीतने पर मंत्री पद, लेकिन चिराग पासवान के लिए तो चूंकि एक वो स्लोगन लेकर के भी चल रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और उनकी राजनीति जो है वो लंबे समय के लिए है। इन लोग की जो राजनीति है, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों के लिए राजनीति फिलहाल इनकी अपनी क्षमता के अनुसार शॉर्ट है। तो ऐसे में चिराग पासवान पर जो दबाव दिया जा रहा है, वो क्या उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अगर चिराग चिराग पासवान, पासवान, अगर लोकसभा चुनाव में मान लीजिए कि उनकी शर्त पर समझौता या डील कर लेते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में फिर उनको हर शर्त माननी होगी। और अगर विधानसभा में चिराग पासवान अकेले जाते हैं और मान लीजिए कि 40-50 सीट भी वो ले आते हैं, तो वो किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगे। नहीं, बीजेपी जो समझाना उनको चाह रही है और उनको जो समझना भी है, ठीक है ना, कि आप जो है अब
पारस जी जो है, पारस जी को भी अब आप तनहा ना करिए, क्योंकि वो जो है आप मिलजुल करके आइए, 6 सीट आपको दे रहे हैं, आप विधानसभा पर भी बात कर लीजिए ना, ठीक है ना। आपको विधानसभा में भी तो जेडीयू जब अलग चला गया है, उधर चला गया, तो जेडीयू की जो सीटें, जो जीती हुई सीटें हैं, ठीक है ना, तो वहां भी तो खा लीजिए सीट, विधानसभा में तो बहुत दिक्कत नहीं होगी सीटों का, ठीक है ना, विधानसभा में तो सीटों की दिक्कत नहीं होने जा रही है भाजपा के सहयोगी दलों को, ठीक है ना। तो अब है कि राजनीति जो कहते हैं ना कि बच्चों का खेल नहीं, चिराग पासवान बड़ी परिपक्वता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं तो बच्चे तो हैं, तो यह वो अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक बात समझ में आ रही है, लेकिन पारस भी अगर बच्चों की तरह जिद करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी पहल जो है पारस जी को करके ही चिराग के करीब होना है, नहीं तो ये एकदम तनाव हो जाएंगे, सिर्फ अकेले इनको रहेगा, तो फिर चिराग को यह भी समझाने की कोशिश हो रही है कि भाई आपके जो पुराने जो सांसद हैं, जो आपके पिताजी के समय के सांसद हैं, तो नहीं तो उनको साथ जोड़िए, आप अपने कुटी में ले जाइए और उनको सीट दीजिए। अब है कि चिराग जी को सोचना है दूरगामी, तो बोल भी रहे हैं, तो एक दो दौर की बात होगी तो फिर बात चलेगी और रास्ता निकल जाएगा। यह है कि फिलहाल दबाव की मुद्रा में तो लाने की कोशिश है बीजेपी की, और इस बात को उनको समझने की है और उस हिसाब से उनको सोचना भी है। लेकिन राजनीति जो है ना, अब जो सियासत है वो तो कोई जियारत है नहीं, अब तो तिजारत का मामला है, तो उनको पिताजी से भी थोड़ा समझना चाहिए कि जब बहुत कठिन जब रास्ता दिखे तो किस तरह से रास्ता बनाया जाता है और कुछ किया जाता है, तो उनको दूरगामी सोच करके तो कुछ निर्णय लेना भी होगा, लेकिन बिल्कुल अलग थलग करके और अकेले भी जा करके, ठीक है ना, जो पिछले विधानसभा में उन्होंने किया था, तो उस तरीके से अभी इस लोकसभा में करना तो फिर वो जल्दीबाजी हो जाएगी, और इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि सीट का जो है बीजेपी भी अभी हिसाब किताब जो समझा रही है उनको कि भैया 30-40 सीट है, तो 3 सीट मान लिया कुशवाहा जी को दे दिया, 2 सीट माझी जी को दे दिया, तो 3 2 5 हो गया, और 6 सीट अगर पुराना मान ले तो वहां आपको जो है 6 5 11 सीट हो गया, ठीक है ना, तो बचा 29 29, है ना, 29। तो उसमें है, अब उसमें एक बड़ी समझदारी भाजपा की ओर से भी समझा रहा है, और इनकी माने क्या कमजोर नस जो है पकड़ने की कोशिश है, तो वहां तो यह बात हो रही है कि आप सीट की अदला बदली भी करिए, क्योंकि आपको अपने पिताजी की विरासत संभालनी है और पिताजी की पहचान हाजीपुर से थे, ठीक है ना, तो आप पारस जी को जमुई भेज दिया जाए, और मान भी जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अब ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी को बहुत लंबा ले जाके खड़ा करके और बहुत व्यापक वटवृक्ष या कुछ इस तरीके से बनाना है, तो चले उनको जमुई भेज दिया जाए, भतीजा का सीट है ही है वहां समस्तीपुर में है, चिराग आए हाजीपुर में, एक नई तरीके से फिर पहचान बने राम विलास की तरह, फिर बाजी खेले, ठीक है ना, क्योंकि लंबी पारी जो है उनको तो देखना पड़ेगा कि पिताजी की किस तरीके से करते थे, उनका तो माने अगर राजनीति को छोड़ दीजिए, राजनीतिक धर्म और नीति सिद्धांत सब की बात है, जो वर्तमान राजनीति है जो होती है उसमें तो राम विलास जी का क्या होता था, उसमें था कि हमको किसी तरह संसद में रहना है, ठीक है ना, हम संसद में रहेंगे फिर भी हम फिर पहचान नहीं, तो पहचान भी नहीं रहने से तो गुम हो जाती है, और हुआ भी है थी। तो हाजीपुर के बगैर, तो हाजीपुर आ जाएंगे तो फिर व्यापक जमीन हो जाएगा, हाजीपुर में रहते हुए फिर उनका विधानसभा चुनाव वगैरह का भी दायरा बढ़ेगा, तो लहपसों पेश है, तो देखने वाली तो यही बात होगी, थोड़ा अभी एक दो दौर की वार्ता होने दीजिए, फिर समझने की बात होगी, कुछ अपना भी स्टैंड साफ करें तब कुछ बात हो जाएगी, लेकिन इनको दबाव तो है, लेकिन इनको किनारे भी करने की स्थिति में नहीं है बीजेपी, तो इतना भी नहीं है कि साफ अपनी शर्तों पर जो है पूरा पूरी शर्तों पर झुका ले सब, हाँ पारस जी को उनकी शर्त माने बीजेपी अपनी शर्तों पर झुका सकता है ना। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? इसलिए कि 18 साल में 3 बार नीतीश कुमार के साथ आए और फिर अलग हुए, और चूंकि पिछले चुनाव में जो उनकी जो स्थिति रही, जो उनका हाल हुआ, उससे वो थोड़ा सा सहमे हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि सहमे हुए नजर भी आ रहे हैं, मैंने थोड़ा कमजोर अपने आप को पा रहे हैं।
और इसलिए सोचते हैं कि अब नए सिरे से एक जो वर्तमान राजनीति है उसमें किसी तरह से प्रवेश किया जाए। हाँ बेशक उनकी वापसी का है, और वापसी के साथ जो है ना खुद की वापसी तो है ही है, संसद में नहीं रह के तो एक तरह से मुख्यधारा से कटना ही हुआ था ना। वो पिछले बार तो मंत्री वगैरह भी बन गए थे बहुत कम ताकत में, और सब जो हुआ है तो जो कहीं ना कहीं किनारे हैं, और उनको है कि अभी तो समझौता करके किसी तरीके से हम तो आई है विधानसभा में भी अपनी ताकत को बढ़ाने के हिसाब किताब में है, कि उस समय कोशिश होगी कि हमको 30-32 सीट कम से कम दे दे बीजेपी, और हो सकता है कि आश्वासन मिला भी होगा क्योंकि जहां से जीते हुए थे जंदाहा वगैरह जो सीटें उनकी थी, तो सबको चाहेंगे कि उसको अपने पास लाएं और फिर अपने धीरे धीरे उसका विस्तार करें। तो इसके लिए तो जल्दी में है, वो तो जल्दीबाजी तो है, तो इसीलिए तो बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन चिराग भी तो अभी कोई बहुत जल्दीबाजी में नहीं है वार्ता करने के लिए या कुछ करने के लिए, वो तो अपने अभियान में लगे हुए हैं, अभियान में लगे हुए हैं, तो बस स्थिति बनेगी उस हिसाब से वो सोचेंगे करेंगे। क्योंकि आप हाल के दिनों में देखते होंगे किसी रजवान वगैरह का भी हो रहा है नदी के वगैरह पारादीप से सब धीरे धीरे कट रहा है, तो बीजेपी में नहीं जाके चिराग के पास आ जाएंगे तो फिर चिराग की तो ताकत बढ़ेगी ना चिराग पासवान अभी तो। पिछले कुछ साल से जो मेहनत कर रहे हैं और जो पार्टी को एक पहचान दिलाने के लिए जो लगातार हर जगह सभा समारोह कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह नहीं होगा ना कि वो उन्होंने जो मेहनत की है उसको यूं ही जाने देंगे। क्योंकि एक बार तो अगर आप एक मजबूत नेतृत्व के सामने अगर झुक जाते हैं एनडीए के सामने, तो फिर तो आपके सामने बहुत आगे जाने का और अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसको इस रूप में भी देखना चाहिए। तो उसमें हिसाब किताब बहुत साफ है, ठीक है, उसमें हिसाब यह साफ है कि अभी आप अकेले पार्टी में हैं, सांसद हैं, एकमात्र सांसद हैं, ठीक है। अगर आपको हम खगड़िया सीट दे देते हैं, वैशाली सीट दे देते हैं, आपको नवादा सीट दे देते हैं, हाजीपुर सीट दे देते हैं, तो एक तो हाजीपुर में आपकी वापसी हो रही है, संख्या बल भी आपका तो बढ़ जाएगा ना। अगर ये तीन चेहरे तीन चार जो सीटें मिलेगी उनको, तो उनकी चार अगर सदस्य हो जाएंगे तो इनकी ताकत भी तो बढ़ेगी, और इस हिसाब से नहीं उम्मीदवारी का जो सवाल है तो करके आप हर सक्रियता तो हर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा लड़ा करके आप ले आएंगे, ठीक है ना, तो लड़ जाएंगे, लेकिन उसको सफलता कहाँ तक मिलेगी तो इसको भी तो सोचने की जरूरत है। तो इस बहाने पार्टी भी खड़ी, लेकिन इस बार जो हो रहा है आपको तीसरा ध्रुव तो बनाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे ना उम्मीदवार, तो फिर तो फायदा दूसरा ही ले जा सकता है, जो पिछले विधानसभा में जिस तरीके से हुआ था उस तरीके से हो जाएगा। तो यही तो बीजेपी की भी रणनीति है कि भाई आप जाएंगे किधर। अब उसमें एक बात भी हो सकती है कि सब गिले शिकवे भूल करके जो है आप चले आइए महागठबंधन में, तो लेकिन महागठबंधन में आना उनके लिए दूरगामी तो फायदा देगा नहीं, ना दूरगामी फायदा महागठबंधन देगा। में जाना इसलिए भी उसमें दिक्कत है कि रामविलास जी तो जंगल राज के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे और नीतीश कुमार को यहाँ तक लाने में, माने सत्ता में लाने में उनका काफी योगदान रहा है। और जंगल राज के खिलाफ जो मुखरता रामविलास जी में थी उस समय, जिस समय हम लोग भी सक्रिय थे बहुत ज्यादा बिहार की पत्रकारिता में, वो बहुत मुखर थे उस समय। तो ऐसे में तो उनके लिए महागठबंधन में जाना उनकी अपनी पहचान के लिए, चिराग पासवान के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो बस यही जो बात है ना, यही है कि एकदम सोच समझ के है ना रास्ता निकालने की जरूरत है। होता है कि लंबे लाभ के लिए अगर कहीं थोड़ा तत्काल कुछ छोड़ भी देना पड़े तो छोड़ना चाहिए, और ऐसा कर उनकी हाजीपुर वापसी, ठीक है ना, हाजीपुर वापसी और लोकसभा में उनके पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ना, ये फिलहाल कोई कम मजबूती की बात नहीं है। भाजपा भी अगर बार्गेनिंग करने के लिए उनको इस तरीके से लाया तो सोच समझ के, तो
चूंकि रणनीति बनाने में जितना बड़ा कुनबा जो बीजेपी का है उतना बड़ा कुनबा तो अभी चिराग जी का भी और कोई उनके सहयोगी पार्टी का नहीं है। तो अगर इस तरीके से कोई दबाव बना रहा है तो सोच समझ करके बहुत घाटे का सौदा भी इनको नहीं समझा रहा, ठीक है ना। कुशवाहा को पहले ले आ, तो इसमें कुशवाहा जी को जल्दी हो सकती, इसमें बीजेपी को जल्दी नहीं थी, क्योंकि कुशवाहा जी जाते तो जाते कहाँ जाते, ठीक है ना। तो इसके लिए उनको लाके क्या अपना स्थिर किया कुशवाहा जी के अपना। माध्यम से चिराग पासवान पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स? हाँ, जवाब तो है ही है, जवाब तो है कि भाई आप रहिए और करिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको जीत करके भी कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री को ही आपको बनना नहीं है तो बनना मंत्री या कुछ बनने की बात होगी, तो इकलौता आदमी बन जाता। कुशवाहा जी कितने सांसद लेके मंत्री बने थे, 3 सांसद था ना, तो आपके पास भी 4-5 सांसद, 4 सांसद हो जाएंगे। और अगर चाचा आ गए कि चलो भाई अब मिल जाते हैं दोनों, रहते हैं हम तुम्हारे साथ ही, ठीक है ना, तो संख्या बल बढ़ जाएगी, तो इनको भी तो हिस्सेदारी मिल ही जाएगी, तो क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं। पशुपति पारस जी भी चिराग पासवान के खिलाफ कुछ मुखर हैं क्या एनडीए में, या जो अंदर की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से वो? नहीं, अब पशुपति जी को जो कुछ दिन पहले तक जो उनका रुख था, अब वो वक्त को भांपते हुए वो भांप गए हैं कि हम अब अकेला पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से रामविलास जी की प्राथमिकता होती थी कि पहले अपने पारिवारिक कुनबे को बचाना, ठीक है ना, तो पारिवारिक कुनबा तो अभी एक है नहीं, तो उनके कुनबे में तो वो है और उनका भतीजा है, तो पहले खुद और भतीजे का इंस्ट्रक्शन है जो रामचंद्र जी के लड़के हुए, तो इधर चिराग तो है ही है, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए बहुत स्थिर है वो, क्योंकि उनके तो साथी लोग तो सब पल बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। वो भी चिराग से अगर नहीं बात बनती है, चिराग बहुत मजबूती से अड़े रहते हैं कि नहीं भैया हमारा जो होगा देखा जाएगा, हम फिर विधानसभा चुनाव की तरह अकेले ही लड़ जाते हैं या कुछ करते हैं, तब भी तो जो भी उनके साथी जो जीते हुए लोग हम तो पारस जी के साथ रहने वाले हैं नहीं, उनको कहे ना कि वो चूंकि रामविलास जी के नेतृत्व में ही सदारत में ही बढ़े, सदारत इस सेंस में कि लीडरशिप में बड़े हो, सूरजवान हो, कुछ हो, वो कोई लोजपा के नीति से प्रभावित हो के और रामविलास जी के व्यक्तिगत कुछ बहुत गुणों से प्रभावित हो के वो लोग तो राजनीति में आने वाले लोग नहीं, ठीक है ना। जो भी है बिना देवी भी तो कितना दल बदले हुए हैं, बिना देवी के तो दिनेश सिंह एमएलसी हैं और बिना आपको देवी खुद मुजफ्फर। चिराग पासवान के हाव भाव से क्या लग रहा है कि वो, मान लीजिए कि वो 5 सीट या 7 सीट की अकेले मांगे करते हैं, तब इंडिया क्या करेगा? नहीं, चिराग जो है ना वो बेटनवास में, वो अभी अपने चाचा की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है ना, और उनके कुनबे के जो सांसद उनके संपर्क में हैं, ठीक है ना। तो इधर चाचा की तरफ से जब स्थिति स्पष्ट, उनको देख लेंगे कि अभी कहाँ तक क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही वो रुख भाप के निर्णय लेंगे, अभी वो निर्णय लेने की जल्दीबाजी में नहीं है। उनकी वार्ता भी अभी बहुत जल्दी जो लग रहा है वो बहुत वार्ता भी करने के मूड में नहीं है, कि जिस तरह से कुशवाहा जी चले गए, दौड़के मांझी जी चले गए, तो उसमें है जिस तरीके से आपको वीआईपी पार्टी है, तो उसका भी हिसाब किताब, उसका भी बात तय है, तो भी मिले न मिले वो उसका भी बातचीत तय है, तो उनको भी इधर ही खेमे में रहना है। तो चिराग जी बहुत दौड़ के कुछ करने के नहीं है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यह बताने की स्थिति में है कि भाई आप हमको इतना भी कमजोर न समझिए, और चूंकि हमको लंबी पारी खेलनी है तो आप ऐसा न करें कि हमको मजबूर होना पड़े, कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़े, कुछ करना पड़े, तो अभी समय है तो उस हिसाब से अभी करेंगे, उनका तो दौरा शुरू हुआ हुआ है, तो करके फिर करेंगे, फिर एक सहमति से एजेंडा बना के जाएंगे कि नहीं भैया हमारी यह सीट है वहां तो हम नहीं लड़ेंगे, तो हमारा पोजीशन ठीक नहीं होगा, हमारे जो साथी हैं तो बहुत मजबूती से नहीं जुड़ेंगे, तो उनको साथ रखना, हमारा वोट जो है ट्रांसफर कराना या उनकी ताकत है आपको आपके उम्मीदवार को दिलाने में दिक्कत होगी विभिन्न जगहों पर, तो फिर बात निकले तो एक आध सीट आगे पीछे हो जाएगा, तो उसमें फिर भी नहीं परेशानी होगी, तो इसलिए अभी वो हड़बड़ी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं, ठीक है ना। तो अभी वो और चाचा को ही देख रहे हैं। पिछले दिनों
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी उनके पटना आवास पर गए थे एक मुलाकात में करने, चिराग पासवान जी के साथ। आपने ये खबर सुनी होगी। तो उन्होंने कहा था हाँ कि हमारे पुराने संबंध है, हमारे पिताजी के समय काल से संबंध है नित्यानंद राय जी के साथ, मिलने आए हम लोग। चुनाव को लेकर जब बातचीत होगी, कोई तालमेल होगा, तो उस समय इसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है निजी बातचीत और मिलने जुलने आए थे, तो इसलिए जो है वो, तो आप भी तो जानते ही होंगे इन लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध है, हाजीपुर में रहे हैं। नित्यानंद राय तो एबीवीपी के समय के कार्यकर्ता रहे हैं, और फिर बाद में बीजेपी में आए, उनकी राजनीति रही है, विधायक हुए हाजीपुर से, फिर जो सांसद वगैरह हुए हैं, तो हाजीपुर में उनका प्रभाव है। और बाद में जो गठबंधन वगैरह जो भाजपा से एनडीए का जो हुआ, और उसमें जो जदयू का भी हुआ, तो बाद में लोजपा वगैरह के साथ भी थे, तो उस हिसाब से चूंकि सीनियर लीडर तो है ही है, चिराग तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मार्गदर्शन में तो, लेकिन उनको वो जो वहाँ जो है बातचीत तो ठीक है, वो तो तालमेल और सीटों का ही है, वो राजनीति के जो लोग हैं वो तो बहुत जल्दी खुलते नहीं हैं और खुलासा नहीं करते हैं बातों को। लेकिन यहाँ यह समझने की जरूरत है कि जो भी वार्ता हुई है तो उस वार्ता में यह कहीं नहीं हो सकता है कि भाई आप पार्टी को लेकर के बीजेपी में आ जाइए या कहीं कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है ना। ये सलाह नित्यानंद राय भी उनको व्यक्तिगत रूप से, गार्जियन के रूप से भी, पार्टी लाइन से हट भी जाइए अगर, तो एक शिष्टाचार के रूप में भी वो नहीं दिए होंगे, और ऐसा चिराग भी नहीं करेंगे। ये सलाह अलग से बदलती परिस्थिति के कारण जो है ये पारा जी को दिया जा सकता है कि नहीं हो तो आप भाजपा में ही चले आए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भतीजा से बहुत रजामंदी हो रही है तो चले आइए, और अगर क्या बोलते हैं इसको कि प्रत्युत्पन्न मति जो बोलते हैं उसमें अगर ये नहीं समझ पाए और ये अपने जिद पर पारस जी रह गए और अगर बीजेपी में विलय कर लेते तो उस समय फिर दिक्कत माने तनाव की स्थिति चिराग के पास हो जाएगी, ठीक है ना। उस समय फिर इनको सीट जो है ज्यादा से ज्यादा निकालना, 5 सीट निकालना, 6 सीट जो मांगना, तो उस समय फिर सीट शेयरिंग में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो किए होंगे, सब बात हुई होगी तो समझ के, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में तो नहीं चिराग दिख रहे हैं। और अभी पारस और चिराग में अगर तुलना करेंगे ना, तो लाख दबाव के बाद भी, ठीक है ना, जो खबर मिल रही है उसमें भाजपा जो है वो चिराग को तरजीह तो दे रही है, भले दबाव लाख बना रही है लेकिन तरजीह दे रही है, क्योंकि भाजपा को भी लंबा सोचना है ना उसको, तो भी ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद ही उनको राजनीति खत्म हो जानी है और कुछ करना है, तो भाजपा को भी अस्थायी रूप से सोचना है, तो भी ऐसा साथी लेकर चलेगा कि बहुत दूर तक हमारे साथ सफर करें, है ना। तो दूर तक सफर करने वाले में आपको तो ये पारस जी है नहीं, ठीक है ना, ये तो कहने में कोई हिचक नहीं है, कहने में कोई हिचक नहीं है। तो बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। नमस्कार।